नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहती हूं। यासीन मलिक, उन पे फैसला आ गया है टेरर फंडिंग केस में। यासीन को 2 मामलों में उम्र कैद, 4 में 10-10 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना। ये अलग अलग केसेस में अलग अलग सजा आज उन्हें सुनाई गई है। आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। शादी के 48 दिन के बाद नई नवेली दुल्हन विधवा हो गई। परिवार से बेटे का साया छिन गया। इसका पता चलने पे पत्नी बहुत रोई। इसे देख करके हर कोई यही कह रहा था, इस बेचारी पे पहाड़ टूट पड़ा है बदकिस्मती का, और इससे ज़्यादा बदकिस्मत कौन होगा जिसकी शादी के बाद अभी हाथों से मेहंदी भी पूरी तरह से उतरी नहीं थी कि उसका सुहाग उजड़ गया। पूरे परिवार में रोना पीटना मच गया, जाहिर सी बात है। आखिर एक परिवार का 25 साल का बेटा लापता हो गया है। 1 मई 2022 को ही वो घर से निकलता है लेकिन घर नहीं लौटता है। उसके साथ नई नवेली दुल्हन भी गई थी, वो घर लौट आई लेकिन बेटा घर नहीं पहुंचा। बहू ने बताया कि पति किसी दोस्त के घर की जाने की बात कह करके चले गए थे लेकिन फिर वो लौटे नहीं। थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस ने कुछ कपड़े देखे और एक टैटू की फोटो जब परिवार को पुलिस ने दिखाई तो वो सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस को एक लाश मिलती है जिसका सिर नहीं होता। ये लाश के बारे में जब परिवार को पता चलता है तो उन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और जब वो पहचान एक टैटू दिखाया जाता है परिवार को, उसकी पिक्चर दिखाई जाती है, तो उसकी पहचान शुभ्र ज्योति बसु के रूप में की जाती है। ये परिवार 24 परगना जिले के खड़दह में रहता है। इस शुभ्र ज्योति जिसकी लाश मिलती है, 13 मार्च को ही अभी शादी हुई थी। परिवार के सब लोग बहुत खुश थे लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं चली। उनकी खुशियों को नजर लग चुकी थी और जब पुलिस जांच करती है तो उसको पहली ही नज़र में ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें या तो कोई दुश्मनी है या तो कोई परिवार का ही मेंबर है जिसका ये काम हो सकता है। रिश्तेदारों, परिवार से, पड़ोसियों से सब जगह पूछताछ की गई लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता, ना उनका कोई दुश्मन, ना घर में कोई ऐसी बात, और दुश्मनी की कोई बात भी नहीं थी जिसके चलते इस तरह की कोई वारदात की जाए। फिर मतलब अगर उसकी जान ले ली गई तो उसका सिर कहाँ है? इतनी बेरहमी से उसको उसकी जान ली गई, इसकी वजह क्या हो सकती है? तमाम सवाल पुलिस के जहन में थे लेकिन उसके जवाब नहीं थे। इसके बाद परिवार के लोगों ने 1 मई को लापता होने वाले दिन के बारे का पूरा सीन जो है पुलिस के सामने रखा और इसी के बाद पुलिस को बीवी पे शक गहराता है। घटना की जानकारी वाले दिन वो होश में नहीं थी लेकिन फिर भी पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। उसने बताया कि उस दिन वो एक दोस्त के घर मिलने जाने वाले थे लेकिन उसके पति कहीं और जाने की बात कह करके निकल गए, इसके बाद वो लौटे नहीं। इस जानकारी पर पुलिस ने पड़ताल की तो पत्नी की बातें सही नहीं लगी, कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रही थी। जो पत्नी ने कहा वो चीज़ें मैच नहीं हो रही थी। पुलिस को पूरी घटना में कहीं झोल लगता है। पुलिस पत्नी को साथ लेकर के जाती है नई नवेली दुल्हन को और मौके पे जा करके वो डेमो कराते हैं। तो पत्नी चूंकि पेशेवर क्रिमिनल नहीं थी, घबरा गई, झूठ बोलने लगी। ये देख करके पुलिस को शक हो गया
और उसका शक गहरा गया। इसके बाद जब पुलिस ने अपने तरीके से उसे पूछताछ की तो उसने सारा सच बता दिया, जिसे जान करके आप तो दंग होंगे, पुलिस भी दंग रह गई उस समय। पत्नी पूजा, पूजा नाम है उसका, उसने पुलिस को बताया कि शादी के बाद वे दोनों लोग बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच उसकी एक दोस्त ने एक दिन पति पत्नी को अपने घर बुलाया। जैसा कि नए कपल को घर न्योतने की एक प्रथा भी है और एक बहाना भी होता है इंटरेक्शन का, तो पूजा की सहेली ने, जिसका नाम शर्मिष्ठा भास्कर है, उसको बुलाया अपनी सहेली को। उसके साथ पति भी जाते हैं, यानी कि पूजा और उसके पति जाते हैं। और उसके पति उस समय घर में नहीं थे क्योंकि वो किसी क्राइम केस में उनको सजा हो गई थी, इस समय वो घर में अकेले ही रह रही थी। पूजा और शुभ्र ज्योति दोनों शर्मिष्ठा से मिलने उसके घर पहुंचते हैं। ये बात शादी के एक हफ्ते बाद की ही है। पूजा ने पुलिस को बताया कि शुभ्र ज्योति को पहली नज़र में उसकी सहेली शर्मिष्ठा से प्यार हो गया, वो उसे बेहद पसंद करने लगा था और मोबाइल नंबर लेकर के उसने बातचीत करनी शुरू कर दी। शुभ्र ज्योति ने शर्मिष्ठा से यहाँ तक कह दिया कि वो उसके लिए अपनी पत्नी भी छोड़ देगा। अब यहाँ ये सोचने की बात है कि एक लड़का जिसकी 25 साल उम्र है, उसकी नई नई दुल्हन है, तो उसको अचानक से अपनी पत्नी की सहेली में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगती है। वो शर्मिष्ठा को कहता है कि तुम तैयार हो जाओ मेरे साथ रहने के लिए और मैं पूजा को समझा लूँगा। लेकिन जिस समय ये प्रस्ताव शर्मिष्ठा ने सुना तो वो दंग रह गई, उसके होश उड़ गए और वो काफ़ी नाराज़ भी हुई उस पर, और इस बारे में उसने तुरंत पूजा को बताया। पूजा ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया, वो हैरान रह गई कि अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है और पति जो है उसी की सहेली पे डोरे डाल रहा है। लेकिन शर्मिष्ठा ने कहा कि वो अपने पति को समझाए, हो सकता है कि उसे समझ में आ जाए। लेकिन वो भड़क उठा, बोला चाहे जो भी हो जाए, उसे शर्मिष्ठा से प्यार हो गया है। अब इसी बीच शर्मिष्ठा के पति सुबीर जेल से जमानत पे बाहर आते हैं। जब वो घर आया तो उसकी पत्नी ने पूरी जानकारी दे दी उसको। ये सुनकर के जेल गया पति गुस्से में आ गया और उसके बाद उसने पत्नी की दोस्त यानी कि पूजा से बात की। यानी कि यहाँ पूजा शर्मिष्ठा और शर्मिष्ठा का पति सुबीर तीनों ने मिलके शुभ्र ज्योति को रास्ते से हटाने की साजिश बनानी शुरू कर दी। चूँकि सुबीर जेल में रह गया था इसलिए वो काफ़ी होशियार हो गया था, उसे वो सारे दावपेच पता चल गए थे कि कैसे हत्या करके लाश को ठिकाने लगाया जा सकता है और इसमें कातिल का सुराग भी नहीं मिलेगा। फिर क्या था, उसने एक पूरी कहानी रच डाली। एक उसने तीनों ने बैठ करके तय किया और जो शुभ्र ज्योति एक तरफा प्यार में अंधा हो गया था उसके लिए उन्होंने यही सोचा कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। और पार्टी के बहाने उनको बिना किसी को बताए शर्मिष्ठा के घर बुलाया जाए। अब शुभ्र ज्योति ने इस बारे में अपने घर वालों को कोई जानकारी नहीं दी और पत्नी को घुमाने के बहाने उसे साथ लेकर के शर्मिष्ठा और उसके पति के पास ले आए। घर से सुबीर बात करते हुए शुभ्र ज्योति बसु को अपने घर से थोड़ी देर पे दूरी पे एक जंगलनुमा इलाका था, वहाँ ले गया। वहाँ दोनों ने शराब पी और इसके बाद शुभ्र ज्योति जब पूरा नशे में टुन हो गया, टल्ली हो गया, तब सुबीर ने एक धारदार हथियार से उसकी गर्दन अलग कर दी। इसके बाद सवाल यह था कि अब बाकी के हिस्सों को क्या किया जाए, तो उसने सिर को अलग करके एक प्लास्टिक के बैग में डाल के इधर उधर फेंक दिया और बाकी का जो हिस्सा था, धड़ था, उसे घर से काफ़ी दूर दिल्ली रोड की तरफ ले जाया गया। वहाँ एक नाले में फेंक दिया गया। 1 मई को हुई हत्या के बाद 2 मई की दोपहर में
पुलिस को नाले से सिर्फ धड़ मिलता है, लेकिन सिर गायब। इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मरने वाले शुभ्रज्योति की पत्नी पूजा, उसकी सहेली शर्मिष्ठा और जेल से आए उसके पति सुबीर, तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ मैं रुकती हूँ। पश्चिम बंगाल की एक ऐसी अजीब कहानी जिसमें एक तरफा और अचानक से एक युवक को प्यार हो जाता है, तो क्या मतलब सुब्रमण्यम को क्या इस लड़के को, शुभ्रज्योति जिसका नाम है, क्या इसको अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके उसकी सहेली के ऊपर डोरे डालने चाहिए थे? दूसरी बात ये कि अब शुभ्रज्योति को अगर रास्ते से हटाना था, उससे पहले उसके परिजनों को भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया जाता, उसको समझाते, ना कि एक नवयुवक को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा दिल दहलाने वाला तरीका अपनाया जाता। क्या कहते हैं आप? एक नई नवेली दुल्हन ने जिसके पति का दिल आ जाता है उसी की सहेली पे, और उसने अपनी सहेली और उसके पति के साथ मिल करके अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया, यानी कि उसने भी जरा भी सोचा नहीं कि अभी दिन ही क्या हुए हैं, अभी उनकी गृहस्थी बसी भी नहीं थी कि उनकी गृहस्थी जो है उजड़ जाती है। क्या कहते हैं आप दोस्तों, क्या होना चाहिए था इसमें आपके हिसाब से? ये कंटेंट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।